ब्यास दरिया के पानी ने एक बार फिर तो तबाही मचा दी है। बीती रात समय ब्यास दरिया के पानी नाल किसानां दीआं फसलां एक बार फिर तो तबाह हो चुकियां ने। मामला जिला तरन तारण के अधीन आउंदे वख-वख पिंडां जिवें मुंडा पिंड, जौल, भैल, धुन अते होर कई पिंडां दा है, जिथे एक बार फिर आए ब्यास दरिया के पानी ने तबाही मचा दिती है। तो वख-वख पिंडां दे किसानां ने भरे मन दे नाल गलबात करदे होए कहा है कि बीते समय च वी आए ब्यास दे दरिया दे हड़ ने जो तबाही मचाई सी ओ सारे ही लोकां नूं पता है, परंतु जेकर हुण किसानां ने वड्डी मेहनत नाल मुड़ अपनियां जमीनां नूं पद्धरियां करके कणक की फसल की बिजाई की सी तां हुण फिर ब्यास दरिया के पानी ने कणक की फसल बर्बाद करके किसानों का लक तोड़ दिता है। किसानों का कहना है कि सरकार नूं साडे वल ध्यान देना चाहिए ता कि किसानों नूं खुदकुशियां तो बचाया जा सके। आओ तुहानू वी दिखाउंदे आ मौके दीआं इह तस्वीरां ते नाल ही सुणाउंदे आ कि किसानों का की कुछ कहना है। बेनती करदे आ मुंडा पिंड तो जौलां तो ला के भैल ते कोह सुख पुगे हो गया, पर जिड्डी साडी हालात माड़ी आ, असीं पहला भैलां वाला बन जिहड़ा सी बाबिआं ने बाबे घोला होणा दे खडूर साहिब वाले बाबिआं ने बाबे तारस होणा ने वी बड़ी कृपा कीती, उह बन जिहड़ा सी उह मुकम्मल करता। बाकी ये जिहड़ा दरिया वा इह सारा टुट्टिआ सरकारां दा काम ही है साडी पूर्ति करन दी, पर सरकारां ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। असीं उधरला बन बन के तो महा वेले होए हाँ, तो इन्हां ने इन्ना पानी छड़ता जिथों पानी पैंदा सी उथों बैग पानी आण के साडीआं जिहड़ा झोना दे कमाद ते बर्बाद होई होए सी। तीजे नंबर से साड़िया हम सारिया कणक ही बोल फाल के तो महा बीजिया ही जो अं सली बुनिया ही कणक के लाती देर कर रात का पानी पै के कणक जड़िया वा वो बर्बाद हो चुकिया वा। यह साड़ी बेनती आ भी सरकार आंदियां भी हरियाणे का पानी पूरा नहीं हो रहा, जिन्हें हरियाणे का पानी पूरा करना वा तो राजस्थान का, जिन्हें राजस्थान का पानी पूरा करना तो साडू कोई साढ़े बारे कोई हल सोचन, चाहे साढ़े परिवार बारे अं हम जमीन छड़ के किधर जाइए। इन्हों दरियावान हाड़ जेठ से पानी नहीं आता हूँ जिन्ना सियाल पानी आन दिया दरिया के ये रात का नजोर मंडदियाँ सारे किसानों जिन्हिया कणक बीजिया ही सारिया बर्बादी की करती ध्यान कणक ला के रस्ता रह गया वा। बाबिया ने बड़ा उदम किया ही, उन्होंने वालों तो कोई कसर नहीं छी, पर सरकार का भी काम ही जो बेवसा ही पानी इन्ना पानी तो कभी दुनिया से ही एड्डी जिंदगी हो गई है सियाल च नहीं वेखा, चलो हड़ा के आ गए तो अं तो हम घर छड़न को तैयार हो गया। फिर सरकार आंदियां वा भी घर बोगा ना छो कोई बहर न भाईदा वा, किसी ने फिर किस दौर से तुरना कोई खुदकुशी करेगा। इन्हों की जो जिम्मेवारी है सरकार की आना साड़ी सार लैनी चाहिए आन के, पर इतने जोड़ा अधिकारी जिन्हों का फर्ज बनता है साढ़े को कोई नहीं गा पहुंचा। अं बेनती करते वार वार की जे साढ़े को हूँ दुख के समय इन्हें नहीं आना फिर साढ़े को गांह वोटा मंगने वास्ते किस तरह आने। अं यो बेनती कर रहे जिन्हें साड़ी बह फड़नी साढ़ा इलाका जौल भैल ढाई आदा कंडा अं वल वा, तो जिन्हें भी साड़ी सार लैनी आ वह इतने आन के पहुंचे। साड़ी तो यो वार वार के बेनती आ दो फसलों का के नुकसान करते हैं, तीजी साड़ी कणक होंगी एर की साड़ी कणक भी बर्बाद हो गई, अं बहुत तंग हो गए ये नालों से सानू हम कोई रस्ता नहीं दीदा। अं यो बेनती करते हैं कि जे किसान खुदकुशियां ना करे की होगी इन बेनती वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी। दोहरी आफत मुंडा पिंड जौल भैल ढाई वाला तो तेरी आफत साढ़े तो आ गई आ, अं सारे प्रशासन को सारे बेनती करते सरकार को वेखो अगे जड़िया दो फसलों का ही नुकसान जरद तीजी फसल का भी अरकी साडा नुकसान हो गया, तो बाबा ने बड़ी बांह फड़ी ही जोड़ा उन्होंने साडा जो बन ही वह मजबूत करके दिता वा। हूँ दरिया का कंडा कंडा जोड़ा वह सारा टुटा ही, हूँ जितों पानी पैंता ही उतों ज़्यादा पानी होने कारण करके तो पानी वापस आन के कणक साड़िया सारिया बर्बाद हो गई वा ना सानू ना झोने का 65-65 सौ रुपया दे के उदे विचों भी कुछ किसानों के पैसे कट लिया, वो सिर्फ साढ़े मूँह के कालख मली गई आ, कोई सानू माजबा नहीं दिता कोई सानू खराबा नहीं दिता गया। हुण असीं अपने महायोग कर कतर के आ वेख लो कणक बीजिया ही सारिया पैलियां कणक किसानों ने दोहरा खर्चा करके कणक बीज लिया तो कणक भी मर चुकी वा, तो इन्होंने इन्ना पानी छड़िया वा जिन्ना कि हाड़ जेठ के इन्ना पानी नहीं आता जिन्ना ना सियाल के पानी छड़िया। सानू साबित होण दिया वा भी जो सरकार वा साढ़े किसानों के नाल बहुत ज़्यादा धक्का कर रही वा तो सानू मारना चाहुंदियां वा। अं यो बेनती करते हैं भी इन्ह दिनों कभी इन्ना पानी नहीं वेखा जो जान बुझ के पानी छड़िया जाता वा। अं बेनती करते हैं जो सरकार वोटा लैन आदि उदो वायदे साढ़े ना होर होंगे ढाडे बन बन देंगे ढाडे कर देंगे, पर हूँ इस वे बाबा ने साड़ी बांह बहुत ज्यादा फड़ी ही, पर सरकार का काम ही जो बाबा ने किया वा। हूँ जे थोड़ी जी नगेली ना करते तो साढ़े जो बन गाड़ी बना देंगे साढ़िया फसलों बच जानिया ही, यो ही बेनती करते हैं। सीएम सानू जो धरने लाने किसान उल्टे परचे कर दिया फिर धरने ना लाने किसान खुदकुशियां करे
फिर इस तो वड्डा हल साडे कोल होर किहड़ा वा, इहो जिहा साडे कोल रहेगा धरने ते खुदकुशियां। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਔਖੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾੜਲੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਮੰਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 250 ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਣਕ ਉੱਗਣ ਹੀ ਡਈ ਹਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਲੋ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਮੰਡ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਹਰੀ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਐ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬੱਠੇ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਹੰਗਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਕਰੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਵੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਜੇ ਹਾਲੋ ਹਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕਣਕ ਹਰਿਆਲੀ ਵੱਜਣ ਡੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਟ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਆਹ ਪੱਠਲ ਵਾਲੀ ਢੰਨ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾੜੀ ਪਾਲ ਸੌਂਦੇ, ਜੱਸਾ ਸੌਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਜੌਲ, ਭੈਲ, ਧੁੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।